हिंसा की आग में झुलसी दिल्ली। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव, आगजनी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 14 उपद्रवी गिरफ्तार। जहांगीरपुरी हिंसा केस में एफआईआर दर्ज, आज तक के पास एफआईआर की कॉपी। हिंसा केस का नया वीडियो आया सामने, हथियार लहराते दिख रहे हैं उपद्रवी। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने तोड़े सीसीटीवी कैमरे, दुकानों में लूटपाट की भी कोशिश। हिंसा वाली जगह पर मुस्तैद दिल्ली पुलिस के जवान, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। एक समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर बोला हमला, रोकने गए 8 पुलिस वाले भी हमले में जख्मी, एक शख्स को भी चोट। कई गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, कुछ बाइक को उपद्रवियों ने किया आग के हवाले। पथराव और आगजनी के साथ साथ फायरिंग के भी आरोप, एक पुलिसकर्मी गोली से जख्मी। नाराज लोगों ने हिंसा के विरोध में जमकर की नारेबाजी, बीच सड़क पर प्रदर्शन। आरोपी पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर लगाया हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, कहा धार्मिक स्थान में घुसने की कोशिश के बाद बवाल। शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई हिंसा, उस वक्त इलाके से गुजर रही थी शोभा यात्रा, तभी पथराव। हिंसा के दौरान लाठी डंडों के साथ दिखे हमलावर, पुलिस की मौजूदगी के बाद भी हुए बेकाबू, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को किया टारगेट। जहांगीरपुरी इलाके में सड़क पर दिखे हिंसा के निशान, पत्थर और शीशे से पटी पड़ी सड़क। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस ने संभाला मोर्चा, तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। साजिश की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल 10 टीमें बनाई गई। स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा वाले इलाके में की पड़ताल, सीसीटीवी फुटेज की जांच, इलाके के अपराधियों की लिस्ट भी खंगाल रही पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जेएनयू की बढ़ाई गई सुरक्षा, 10 अप्रैल को वहां हुई थी छात्रों के गुटों में झड़प। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले स्थिति काबू में, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, सघन पेट्रोलिंग के आदेश। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने हिंसा की निंदा की, कहा कोई भी दोषी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखे। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। हिंसा को लेकर केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, बोले वो सिर्फ सीएम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जनता बड़े ध्यान से देख रही है, इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे जताई साजिश की आशंका, जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग।